सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो फॉर आसमान फोटोग्राफी YouTube चैनल। गाइस आज मैं आप लोगों को पिक्सार एंड स्केचबुक एप्लीकेशन का यूज कर क्वेश्चन का फेस को स्मूथ एंड हेयर एडिट करना सिखाने वाला हूं, क्योंकि आप लोग बिफोर एंड आफ्टर हमारा फोटो यहां पर देख सकते हो कितना देखने में अमेजिंग सा लग रहा है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं सेम टू सेम का फोटो एडिट करना सीखना, तो इस वाला वीडियो को आज लास्ट तक जरूर से देख लीजिएगा। और अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर दीजिएगा। तो चलो बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग को जिस फोटो गाइस एडिट करना होगा, आप उस वाले फोटो को अपने पिक्सार एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लिया, जो कि देखते मैंने इस वाला फोटो के पिक्सार एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लिया हूं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टूल के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे इस वाला आइकॉन पर, और यहां से हम लोग क्या करेंगे कर्व टूल के ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर लेंगे। और इसको हम लोग क्या करते हैं कुछ इस तरह से इसके सर्कल को हम लोग ऊपर की ओर यहां पर इस तरह से कर लेते हैं, ताकि हमारे फोटो में लाइटिंग कंडीशन यहां पर एडजस्ट हो जाए। और सिंपल से यहां से इसको हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट टूल के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे इस वाला ऑप्शन पर, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं सिंपल वाला इफेक्ट को चूज कर लेंगे। और इसको हम लोग क्या करते हैं राइट साइड में कुछ इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, तो सबसे लास्ट में आपको मतलब सैचुरेशन नाम का एक आप लोग को टूल मिलेगा। इस वाला सैचुरेशन के ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक करके इसके अमाउंट को आप लोग यहाँ पर फुल इंक्रीज कर लेगा कुछ इस तरह से। और यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा इरेजर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से फोटो को जूम करके अपने फेस पर से आप लोग इस वाले इफेक्ट को यहाँ से रिमूव कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। और गाइज अब यहाँ से सिंपली इसको हम लोग डन कर लेते हैं। सो गाइज अभी आप लोग यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पर देख, तो हमारे फोटो के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजिंग आ चुका है, बट हमारे फोटो के अंदर थोड़ा सा लाइटिंग यहाँ पर ज़्यादा हो चुका है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर टूल के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एडजस्ट के आइकॉन पर क्लिक करके इसके ब्राइटनेस को हल्का से यहाँ पर इस तरह से कम कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ से हम लोग इस तरह से इसको डन कर लेते हैं। तो गाइस जब अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे अपने ड्रेस के ऊपर हम लोग कलर करने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ऐड फोटो के ऑप्शन में पर एक बार क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एक बैकग्राउंड को हम लोग सिंपली से ऐड कर लेते हैं। गाइस मैं आप लोग एक येलो बैकग्राउंड प्रोवाइड करूंगा, तो इस वाला बैकग्राउंड को आप लोग यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, और इसको आप लोग कुछ इस तरह जूम करके अपने कपड़े के पास इस तरह से आप लोग यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। और सिंपल से आप लोग अगर ब्लेंड मोड के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके इसको आप यहाँ पर डार्केन के ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ से आप लोग अगर इरेजर ब्रश को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, और सिंपली यहाँ से इसको आप लोग इन्वर्ट करके रिस्टोर के ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरह से फोटो को जूम करके अपने कपड़े के ऊपर कुछ इस तरह से आप लोग इसको रिस्टोर कर लीजिएगा। तो गाइस मेरे टाइम मुझे काफी बेहतरीन तरीके से इस वाला कलर को यहाँ पर अपने शर्ट के पास या टी शर्ट के पास यहाँ पर एडजस्ट कर लिया हूँ, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं सिंपली एक बार यहाँ से इसको इस तरह डन करते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एडजस्ट के आइकॉन पर क्लिक करके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसके ब्राइटनेस को हल्का से यहाँ पर इंक्रीज हम लोग करते हैं इस तरह से। और अगर आप लोग इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा ह्यू के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके इसके अमाउंट को आप लोग यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज करके देख लीजिएगा। आप लोग को जो कलर यहाँ पसंद आए आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर यही कलर को सिंपली से ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको सिंपली से हम लोग डन कर लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं अपने सनग्लास को यहाँ पर हम लोग कलर करने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एक रेड बैकग्राउंड को सिंपली यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग क्या कीजिएगा इस पर रेड बैकग्राउंड को आप लोग यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, और इसको भी आप लोग कुछ इस तरह जूम करके इसको आप लोग सनग्लास के ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा ब्लेंड मोड के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आप लोग क्या कीजिएगा ओवरले के ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सिंपल से आप लोग क्या कीजिएगा इरेजर टूल के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको इन्वर्ट करके रिस्टोर के ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरह से फोटो को जूम करके अपने सनग्लास के ऊपर कुछ इस तरह से आप लोग इसको रिस्टोर कर लीजिएगा। तो गाइज मैंने अपने सनग्लास को भी यहाँ पर कलर कर लिया हूँ, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं सिंपली यहाँ से इसको डन कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे अपने बैकग्राउंड को हम लोग बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कुछ इस तरह इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। तो यहाँ पर एक रिमूव डॉट बीजी नाम से आप लोग को टूल मिलेगा, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो इस पर टूल के ऊपर आप लोग एक बार यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। तो आप जैसे इस पर टूल के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरा फोटो का बैकग्राउंड पर वन क्लिक के अंदर रिमूव हो जाएगा, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा सिंपली यहाँ पर आप लोग एक बार यहाँ से इसको डन कर लीजिएगा, और यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा कुछ तरह से आप लोग यहाँ पर इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक ड्रॉ टूल नाम का आप लोग को टूल मिलेगा। इस ड्रॉ टूल के ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक कर लीजिएगा, और कुछ इस तरह से आप लोग अपने फोटो को यहाँ पर इस तरह जूम आउट कर लीजिएगा। और यहाँ से आप लोग कीजिएगा ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा एक बैकग्राउंड को सिंपली से ऐड कर लीजिएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा इस वाला बैकग्राउंड को सिंपली यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, और यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा एक बार यहाँ से आप लोग इसको कुछ इस तरह से डन कर लीजिएगा, और इसको आप लोग कुछ इस तरह जूम करके यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा लेयर के आइकॉन पर क्लिक करके इसको आप लोग यहाँ पर इस तरह से नीचे की ओर करके कुछ इस तरह से इस वाला बैकग्राउंड को आप लोग जूम करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से आप लोग यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा।
और अब यहाँ से सिंपली इसको आप लोग डन कर लीजिएगा। तो हमारा पिक्सार के अंदर जितना भी वर्क था सिंपली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने फेस एंड अपने हेयर को एडिट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ टूल के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले अपने फोटो गैलरी के अंदर सेव करेंगे और इस वाले फोटो को हम लोग क्या करते हैं, स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो गाइस स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को ओपन करने का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने हेयर को यहाँ पर एडिट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पर टूल के ऑप्शन में एक बार क्लिक करते हैं इस बार आइकॉन पर और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी के ऑप्शन में क्लिक करके इसको यहाँ पर ऊपर की ओर कुछ इस तरह से स्क्रॉल करेंगे। तो आप पहले सबसे लास्ट में आपको मतलब हेयर नाम का आप लोग का ब्रश मिलेगा, जो कि देखिए तो आप लोग यहाँ पर इस वाला ब्रश को यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करके इसके साइज वगैरह को आप लोग यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख लीजिएगा। आप चाहते इस तरह से स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं इस तरह से, और सिंपल से आप लोग अगर कट के ऑप्शन पर क्लिक करें कुछ इस तरह से फोटो को जूम करके अपने हेयर पर आप लोग कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ करके अपने हेयर को आप लोग एडिट कर लीजिएगा। सो गाइस मैंने आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके काफी बेहतरीन तरीके से अपने हेयर को यहाँ पर ऐड कर लिया, जो कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने फेस को हम लोग हार्ड स्मूथ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से टूल के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करते हैं इस वाला ऑप्शन पर और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ पर नीचे की ओर कुछ इस तरह से स्क्रॉल करेंगे। तो आप लोग का यहाँ पर एक स्मर्ज नाम का ब्रश मिलेगा, तो आप लोग इस वाला ब्रश को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करके इसके फ्लो एंड इसके स्ट्रेंथ को आप लोग यहाँ पर इतना परसेंट रख लीजिएगा, यानी कि इसके फ्लो को आप लोग 2% पर रखिएगा और इसके स्ट्रेंथ को आप लोग 3% रख लीजिएगा और साइज को आप लोग यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रख के सिंपल से आप लोग यहाँ पर कट के ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरह से फ्लो को जूम करके अपने स्किन पर आप लोग इस तरह से इसको अप्लाई यहाँ पर कर लीजिएगा। मैंने अपने को कट करके काफी बेहतरीन तरीके से अपने फेस को यहाँ पर स्मूथ कर लिया हूँ, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने फेस में लाइटिंग देने वाले हैं, ब्लो तो अपने फेस को गोरा करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेयर के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्लस के ऑप्शन में क्लिक करके हम लोग डुप्लीकेट लेयर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं और इस वाले लेयर के ऊपर एक बार क्लिक करके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके ओपेसिटी को हल्का सा डाउन हम लोग कर लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग सॉफ्ट लाइट के ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपली कट के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करिए, कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम लोग यहाँ पर व्हाइट कलर यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं और फिर से कट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, टूल के ऑप्शन पर क्लिक करके लाइब्रेरी के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस वाला मीडियम ब्रश को यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। तो आप लोग इस वाला ब्रश को यहाँ पर सेलेक्ट करके सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करके इसकी सेटिंग को आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख लीजिएगा और फिर से कट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा और कुछ इस तरह से फोटो को जूम करके अपने स्किन के ऊपर आप लोग इस तरह से इसको अप्लाई यहाँ पर कर लीजिएगा। सो फाइनली गाइस मैंने अपने फेस को यहाँ पर स्मूथ करने के साथ अपने फेस को गोरा भी कर लिया हूँ, जो कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो इसी के साथ हमारा फोटो एडिटिंग का वर्क यहाँ पर सिंपली कंप्लीट हो चुका है। तो फोटो को सेव करने के लिए अभी आप लोग का देखिए यहाँ पर थ्री डॉट के ऑप्शन में क्लिक करके, शेयर टूल के ऑप्शन में क्लिक करके अपने फोटो को आप लोग गैलरी के अंदर इजिली यहाँ पर सेव कर सकते हैं।